नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीचर। शादी का झांसा देकर युवक ने किया युवती के साथ वर्षों तक दुराचार। जनपद उन्नाव में एक युवक युवती के साथ सालों साल शादी का झांसा देकर दुराचार करता रहा। पीड़िता युवती सरकारी दफ्तरों के आगे परिक्रमा लगा कर थक हार कर खिलौली गांव के श्री आनंदेश्वर महादेव की शरण में जा पहुंची। पीड़िता ने पत्रकार को बताया कि जहां भी जाती हूं वहां दुत्कार के अलावा कुछ नहीं मिलता। प्रेमी के प्रेम जाल में फंसकर मैंने अपने पति को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा और प्रेमी अर्जुन ने मेरा शारीरिक शोषण करने के बाद मुझे छोड़ देने की बात कर रहा है, जिसकी शिकायत कोतवाली मोराबा से लेकर उन्नाव जनपद के आला अधिकारियों से की है, लेकिन कोई सुनवाई के नाम पर जगह जगह से भगा दिया जाता है। पीड़िता ने गांव के ही एक विद्यालय के प्रबंधक पर आरोप लगाया है कि अर्जुन नाम के एक युवक को सुरक्षा दे रहे हैं तथा मुझे पागल खाने भेजने की धमकी लगातार दे रहे हैं। समाचार टीचर के लिए उन्नाव से मनीषा यादव की रिपोर्ट। तीन साल इन्होंने रखा है अर्जुन ने, तीन साल रखा है मुझे, तो उसके बाद अब कह रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे। उसके बाद छोड़ के लखनऊ से चले आए कि यहाँ पे अपनी मम्मी के पास, तो ये दूसरी लड़की के साथ मतलब कोर्ट मैरिज कराने जा रहे थे, तो हम वहाँ से हमको पता मिली तो हम वहाँ से आए, तो हम बोले कि मतलब ये कैसा कर रहे हो कि हमारे साथ भी किए हो, दूसरे के साथ भी करोगे, ये कैसा करोगे। तो कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं रखेंगे तुमको, तुम मतलब ऐसे ही मतलब तुमको नहीं रखेंगे हम, और तुम जाइए जहाँ रहती थे वहीं पे रहो जाके। तो हम कहें कि मतलब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उनकी मम्मी कह रही है कि हम ये चमारिन जात की लड़की हो और हम तुमको घर पे नहीं बैठा सकते हैं। और फिर हम पहले बैठाए भी उनके घर में, हम एक महीना रह के गए हैं, पहले एक महीना घर में रह के गए हैं, तो ये कह रहे हैं कि अब कह रहे हैं कि हम नहीं रखाएंगे। तो ये इम्तियाज की गाड़ी चलाने लगे, तो इम्तियाज के घर पे रहते थे। तो एक दिन हम इधर से निकले, हम दो दिन हम आए, तो हम कहें अर्जुन देखो ऐसा ना करो, जहाँ लखनऊ में रहते थे वहीं पे रहो चल के, क्योंकि हमारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दिया तुमने और हमारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर, और हम कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ। तो कह रहे हैं कि तुम कहीं भी जाओ, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। तो इम्तियाज ने बुलाया, इम्तियाज कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम फैसला कराते हैं। तो कह रहे हैं फैसला कराते हैं, तो हम भी गए, हम चलो अच्छा कोई फैसला कराओ। तो कह रहे हैं इम्तियाज कह रहे हैं कि तुम इनको छोड़ दो। तो हम बोले कि हम क्यों छोड़ दें, हमारी तो सब बर्बादी हो गई, चारों तरफ से हमारी बर्बादी हो गई, हम कैसे इनको छोड़ सकते हैं, हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि क्यों नहीं छोड़ सकते, तुम इनकी ब्याह ही नहीं है। हम कहें ब्याह ही नहीं है तो फिर क्या हुआ, तो मतलब ये हमारे साथ इतने दिन से 4 साल से रह रहे हैं, हम ब्याह ही नहीं तो फिर क्या हुआ। तो कह रहे नहीं, तुमको छोड़ना पड़ेगा, तुम वो लड़के की मतलब लड़का वो अच्छा है और तुम नहीं चाहती हो कि मतलब उसको कमाने खाने दो। हम कहें हम भी तो चाहते थे पहले कि हम कमाएं खाएं अपने घर परिवार में रहें, इसने तो हमको बर्बाद कर दिया। फिर कह रहे नहीं, इम्तियाज के घर पे हम बेहोश पड़े थे, तो ये ना इनके घर में हमने देखा अर्जुन को, अर्जुन की तरफ हम जब बढ़े तो हमारे पता नहीं अचानक मुझे चक्कर आ गया तो हम गिर गए। फिर इम्तियाज के घर पे एक गुस्सा था, इम्तियाज इसको रखते थे, इम्तियाज ने इसको भगा दिया कि हमसे बोले कि मतलब कि चले जाओ नहीं तो तुमको हम यहाँ पे मरवा देंगे, लेडीज़ पुलिस बुलवा के हम तुमको मरवाएंगे। हमने बोला कि क्यों मरवाओगे हमको, हमारा क्या कसूर है, हम लोग इतने दिन से रह रहे हैं, अब तुम्हारी इसमें क्या है। तो कह रहे नहीं, वो हमारा ड्राइवर है, हमारी गाड़ी चलाता है, हमारा बहुत सहारा देता है, हम तुमको मरवा देंगे। तो हमने बोला ऐसा क्यों, उन्होंने फिर हमारे लिए एम्बुलेंस बुला लिया कि पागल महिला हमारे दरवाजे पे पड़ी है, इसको लेके जाइए। तो हमने बोला मतलब हम बेहोश ही पड़े थे, मेरे को नहीं याद है, तो हमारे 100 नंबर वाले आए तो हमको किसी औरत ने उठा के हमको बुलाया कि मतलब कौन हो। तो हमने सारा कुछ बता दिया कि मतलब कि हम यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे हमारे अर्जुन मतलब गाड़ी चला रहे हैं और इसी के वक्त हम आए थे, इसीलिए हमने अचानक